हाँ हेलो, सब लोग ज्वाइन कर गए? ज्वाइन करो जल्दी। पिकू, पिकू कुमार मंडल, पिकू सुभाषिष मिश्रा। यस कैसे लग रहा है ये? बनाओ बना रहे सर। बनाओ। अच्छा देखो, यहां से क्या करेंगे, तो यहां से मेरे डीसी मशीन का कनेक्ट, इलेक्ट्रिक आर्मेचर का कनेक्शन हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, मेरे को फील्ड सप्लाई देना है। फील्ड सप्लाई देने के लिए क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को ड्रैग करके हुए लाएंगे, वोल्टेज सोर्स को कॉपी करते हुए लाएंगे। तो इसको एज ए नाम देते हैं फील्ड। फील्ड कैसे नाम देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको मशीन के साथ अटैच कर देंगे। फिर घुमा लेंगे एंड दिस डैम इट इज अटैच्ड फ्रॉम डीसी मशीन के, डीसी मशीन के जो फील्ड है इसके साथ उसको अटैच कर देते हैं। इसको नाम देने की कोई जरूरत भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फील्ड सप्लाई करेगा, मशीन का फील्ड को ये सप्लाई करेगा। मशीन के फील्ड में जितना ही वोल्टेज जाएगा यहाँ से सप्लाई में आएगा, क्योंकि फील्ड को हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड यूज कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, कांस्टेंट जो है दिस इज आवर लोड। देखो अभी एक मशीन चल रहा है मेरा, इसके ऊपर तो एक लोड पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग कांस्टेंट जो ब्लॉक है इसको हम लोग ऐसे लोड की तरह यहाँ पे यूज करेंगे। कांस्टेंट ब्लॉक, ये दिस इज आवर लोड, मतलब ये मशीन के ऊपर लोड को प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड कर रहा है। कितना, एक किसी मशीन के ऊपर तो लोड रहता है ना, ये तो मानते हो सब लोग। मशीन रहेगा तो उसके ऊपर लोड पड़ेगा एंड दिस इज आवर मैकेनिकल लोड, तो कांस्टेंट जो ब्लॉक है वो मेरा मैकेनिकल लोड की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। अच्छा, गेट पल्स को जैसे हम लोग रख रहे थे ऐसे रख देते हैं। G1 एंड एक दूसरे को देते हैं G2। और यहाँ पर एक गोटू ब्लॉक लगा के इस सिग्नल को लेके आते हैं। गोटू, यहाँ पर भी एक गोटू ब्लॉक रखते हैं। ये दोनों क्या करेगा, मेरे सिग्नल को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर देगा। गोटू फ्रॉम ब्लॉक का यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, ब्लॉक को घुमाने के लिए सिंपल कंट्रोल आर का यूज करोगे। और भी गोटू लाएगा मेरा, इनको रख देते हैं गोटू और फ्रॉम को। एक ले आएगा मेरा करंट मेजरमेंट पर, यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट को अटैच कर देते हैं। वोल्टेज मेजरमेंट, वोल्टेज को हम लोग यहाँ पर ही मेजर कर लेंगे। अच्छा, वोल्टेज को हम लोग यहाँ पर ही मेजर कर सकते हैं अक्रॉस द वोल्टेज, अक्रॉस द लोड, लोड के अक्रॉस पर।
फोर गैस का यहाँ पर मेजर कर रहे हैं एंड अच्छा गेन को क्यों लिया, गेन का एक काम है मेरा। अच्छा अभी जो एम ब्लॉक है पोर्ट है मेरा, यहाँ पर हम लोग इस बस सिलेक्टर को डालेंगे। एम पोर्ट का काम क्या है, एम फिट एम मीन्स और मेजरमेंट को, यहाँ से हम लोग इस मेजरिंग सिस्टम को मेजर करेंगे। यहाँ से हम लोग बेसिकली जो मेरा आउटपुट है इसको मेजर करेंगे, यहाँ से मेरे सिस्टम का आउटपुट को यहाँ से मेजर करेंगे, मोटर के आउटपुट को मेजर करेंगे। यहाँ पे एक स्कोप होगा मेरा एंड एक स्कोप हम वोल्टेज करंट एंड पल्स जनरेटर को देखने के लिए मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना कितना लेस, देखो बस सिलेक्टर जो है उसके ऊपर डबल क्लिक करने से, उसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करोगे एक टेबल ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हो पहले यहाँ पे सिलेक्टेड सिग्नल है, यहाँ पे देखो लिखा है सिलेक्टेड सिग्नल, इसको देखो अच्छी तरीके से। ये क्या लिखा है बताओ, ये क्या लिखा हुआ, सिलेक्टेड सिग्नल सर। सिलेक्टेड सिग्नल मतलब क्या है, कौन सा सिग्नल मैं सिलेक्टेड करके रखे हैं यहाँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पूछ रहा है कि सिग्नल वन एंड सिग्नल, और यहाँ पे है पैरामीटर्स किसको हम लोग यूज करेंगे। सिग्नल इन दिस बस, बस के अंदर इनपुट सिग्नल कौन सा है, एक है मेरा स्पीड, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट एंड इलेक्ट्रिक टॉर्क, तीनों चीज यहाँ पर है, चारों चीज यहाँ पर है। तो हम लोग को यहाँ से क्या क्या देखना है, हम लोग फील्ड को देख भी सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं, फील्ड करंट तो सेम ही होगा जो मेरा फील्ड करंट का, मतलब देख भी सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं, आर्मेचर करंट को देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक टॉर्क को भी हम लोग देख सकते हैं एंड स्पीड को भी हम लोग देखेंगे, स्पीड को तो देखेंगे। और एक चीज गौर करो यहाँ पर, स्पीड मेरा क्या दिया हुआ है, रेडियन पर सेकेंड में है, स्पीड किस पे है, रेडियन पर सेकेंड पर। तो इसको हम लोग को चेंज करना होगा, इसको देखो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ड्रॉइंग्स को क्लियर करते हैं पहले, और यहाँ पे सिग्नल को लेंगे कैसे लेंगे, पहले ये जो दोनों सिग्नल वन एंड टू है इसको हटा देंगे यहाँ से। क्या कर कैसे हटाएंगे, सिंपल यहाँ पे वन को सिलेक्ट करो करके यहाँ पे देखो रिमूव ऑप्शन है, रिमूव को क्लिक करो ये रिमूव हो जाएगा। सिग्नल टू को सिलेक्ट करके रिमूव पर क्लिक करो, पूरा सिग्नल मेरा यहाँ से रिमूव हो गया। अभी कौन सा चीज हमको यहाँ पे चाहिए उसको उसको लेंगे। पहले हमको स्पीड चाहिए, स्पीड को यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद जो सिलेक्ट ऑप्शन है यहाँ से सिलेक्ट कर, तो यहाँ पर स्पीड चला है, स्पीड दिखाई देगा यहाँ पर। आर्मेचर करंट हम लोगों को देखना है, आर्मेचर करंट को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करो, आर्मेचर करंट चला जाएगा यहाँ पर। फील्ड करंट को देख भी सकते हो नहीं भी देख सकते हो, दिखा देते हैं, फील्ड करंट को सिलेक्ट करो, फील्ड करंट यहाँ पे चला जाएगा एंड इलेक्ट्रिक टॉर्क को अगर सिलेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक टॉर्क भी यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन मीटर पर एंड देन वी कैन दिस इज अप्लाई, इसके अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे मेरा चारों पोर्ट जनरेट हो गया है। अभी तक दो पोर्ट दिखा रहा था, अभी चार पोर्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, दिखाई दे रहा है बस सिलेक्टर पर। यस सर, यस सर। अभी क्या करेंगे, स्कोप को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्कोप के अंदर चारों इनपुट सिलेक्ट करते हैं, चार इनपुट आएगा, लेआउट को चेंज करके फोर कर लेते हैं, फिर अप्लाई एंड ओके, सो कट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर जूम करके देखोगे इस एरिया पर, अगर जूम करते हैं देखो पूरा पूरा का आ गया मेरा जो मैंने डिसाइड किया था, स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, आर्मेचर इन करंट इन एम्पियर, फील्ड करंट इन मिलियन, फील्ड करंट इन एम्पियर, इलेक्ट्रिकल टॉर्क इन न्यूटन मीटर, पूरा चीज यहाँ पे आ गया है शो करेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हमने एक और चीज दिए थे गेन, गेन को यहाँ पे पुट करेंगे। गेन को कैसे यहाँ पे पुट करेंगे, गेन को पुट करने के लिए गेन क्या है, गेन बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन,
इसको हम लोग स्पीड लाइन के अंदर पुट करेंगे। क्यों, कारण क्या है, मेरा जो स्पीड है वो आएगा मेरा आरपीएम रेडिएशन पर सेकेंड रेट पर सेकेंड में दिखा रहा है, मेरा चाहिए आरपीएम। तो इज इट हेल्प ऑफ रेडियन पर गेन, हम इसका आरपीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों डिस्प्ले लगा कर रखते हैं तो तुम लोगों को दिखाई देगा कैसा चेंजेस होता है। यहाँ पे एक डिस्प्ले देते हैं, यहाँ पर भी एक डिस्प्ले देते हैं ओनली फॉर अवर स्पीड। गेन के अंदर जाते हैं, गेन के अंदर हम लोग देते हैं क्या देखते थे, 30 / 3.14 ये हम लोग लिखेंगे गेन के अंदर। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, मेरा जो रेवोल्यूशन पर रेट पर सेकंड है वो मेरा रेडियन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड से मेरा आरपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। अप्लाई एंड ओके करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो आपके स्क्रीन गायब हो गया है। स्क्रीन मैंने ऑफ किया है। यहाँ तक समझ में आया है? देखो मेरा मोटर की सेटिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। स्विच 3 में सर पल्स जनरेटर कनेक्ट है। अभी इन सिग्नल आउटिंग को थोड़ा काम करते हैं। यहाँ पर इसका क्या नाम देते हैं, इसका G1 नाम देते हैं। Q1 इसका देते हैं नेम, अप्लाई एंड ओके करते हैं। इसे देते हैं G2, G2 अप्लाई ओके। तो पहले हम सिग्नल को यहाँ पे दे रहे हैं पंपर, G1 अपडेट टैक्स करते हैं। नहीं ये G1 नहीं होगा, G2 होगा। G2 अपडेट टैक्स अप्लाई ओके। 1.4 मेरा यहाँ पे चेंजेस होगा, G2 अपडेट टैक्स अप्लाई ओके। ये तो मेरा G1 होगा ना, अभी यहाँ पे देंगे हम लोग, अभी यहाँ पे चारों ब्लॉक पर, यहाँ पर भी 4 फीस लेंगे हम लोग, इनपुट आउटपुट को भी लेंगे एंड आवर गेट पास को भी यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आई करते हैं,
आई ये देते हैं इसको आर्मेचर करंट, आर्मेचर वोल्टेज, ये आइए एंड दोनों गेट पास को हम लोग फिर से यहाँ पे देखेंगे वन जब मेरा सर्किट डिजाइन करना लगभग कंप्लीट हो गया है, सर्किट डिजाइन करना पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। देखो सर्किट डिजाइन सबको समझ में आया है, एक बार बोल लो जरा। हेलो सर्किट डिजाइन में किसी और कोई समस्या है? हेलो मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना सभी को? यस सर। सर्किट डिजाइनिंग में कोई समस्या हुआ है? सुबह से इस रिचिका कोमल टीकू अभी पैरामीटर सर। अच्छा पैरामीटर्स को कैसे इनपुट करोगे? देखो डीसी मशीन पे जाओगे, पहले हम लोग डीसी मोटर से करेंगे पैरामीटर्स को। डीसी मोटर पे जाओगे, इसको डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर। करने के बाद यहाँ पर देखोगे प्रीसेट मॉडल बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पर अभी देखो नो हुआ है, नो करके रखा हुआ है क्या है, इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे डीसी मोटर के मॉडल यहाँ पे खुल जाएगा। तो हम लोग पहले वाला को देख ले, पहले चीज को लेके चेक करते हैं कौन सा है। 5 HP 240 वोल्ट 1750 RPM फीट 300 वोल्ट, इसको हम लोग लेके चेक करेंगे। फीट वोल्टेज मेरा 300 वोल्ट रहेगा एंड 240 वोल्ट मतलब मेरा टर्मिनल वोल्टेज 240 रहेगा, इसको रख के हम लोग चेक करेंगे। समझ में आया सभी को? हेलो यस सर। इस पैरामीटर को यहाँ पे यस सर, यस सर, इस पैरामीटर को यहाँ पे डालेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो मेरा डीसी वोल्टेज डीसी मशीन को यहाँ पे सेट हो गया। अभी इसके हिसाब से फील्ड को चेंज, फील्ड वोल्टेज को चेंज करेंगे, फील्ड वोल्टेज को ओपन करेंगे। यहाँ पे 100 वोल्टेज है, इसको हम लोग कर देंगे क्या 300 वोल्ट करके अप्लाई करेंगे। एंड जो मेरा इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे क्लिक करने, यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 240 वोल्ट, अप्लाई ओके कर दिए, मेरा पैरामीटर्स डालना हो गया है। अच्छा अभी क्या करेंगे, गेट पास पे जाएंगे, G1 पे जाएंगे, फास्ट ऑफ दिन जैसे सेट किए थे ऐसे ही करेंगे। एम्पलीट्यूड को ऑन रखेंगे, टाइम पीरियड को 0.02 सेकंड करेंगे, पल्स स्विच को 50 करेंगे, फेज डिले को अभी कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ जो भी था इसको अप्लाई करेंगे। एंड G2 में हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड को 0.02 रखेंगे, पल्स स्विच को 50 करते हैं, फेज डिले को 0.01 रखते हैं, जो मैंने किया था लास्ट क्लास में ऐसे ही करेंगे, अप्लाई एंड ओके। लगभग सब कुछ सेट हो गया है मेरा। अच्छा पावर गाई तो लगा लेते हैं, पावर गाई तो लगेगा तुम लोगों को, मैं चले आएगा लेकिन मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, पावर गाई यहाँ पे सुबह। जो मेरा टाइम है, मेरा टाइम सेटअप को सिमुलेशन टाइम को हम लोग 5 में सेट करेंगे, यहाँ पर 5 में सेट करेंगे, और मोटरिंग लोड के लिए हम लोग थोड़ा 12 इंक्रीज करके रखेंगे। अच्छा एक और चीज यहाँ पे करना होगा, वो है मेरे अभी सेव नहीं किया है इसको, तो सेव करते हैं। किसी ने बताया तक नहीं इसे सेव कीजिए,
बार उठ जाता तो मोटर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर इसको रखते हैं। अभी इसको चालू करेंगे, क्या चालू करते हैं क्या सिस्टम को, क्या बोलते हो तुम लोग? कर दीजिए सर, कर देंगे। चलो करते हैं, इसको चालू करते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे एक चीज होता है, रखते हैं ज़ूम आउट करते हैं। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर मेरा करंट एसी नेचर का आया है, 50 टू 50 तक भरे किया है, देख सकते हो तुम लोग। डन कर दिया, डन हो गया, सिस्टम रिजल्ट भी दे दिया मेरे को। एंड देखा जाए दोनों पूरा चार फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। देखो पूरा फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मेरे सिस्टम ऑसिलेशन हुआ। मतलब क्या हुआ, ये मेरा फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन था, ये मेरा फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन था, यहाँ पर था मेरा फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग, रिवर्स ब्रेकिंग, ये मेरा ऑप्शन था। अभी यहाँ पर क्या हो गया, और जो इकॉर्डिंग टू स्विचिंग फंक्शन यहाँ पर मेरा CH1 एंड CH4 को ऑन रहना है, नेक्स्ट केस पर मेरा बोलो कंडीशन को बोलो, कौन सा चीज को कहां पर ऑफ ऑन रहना है, टाइप ई पर, टाइप ई के केस पे कौन सा चीज को कहां पर ऑन रहना है सर? D1 और D4 यहाँ पर रहेगा मेरा
C3, C2, CH2 on. यहाँ पर बेसिकली इन दोनों जगह पर बेसिकली मेरा डायोड काम करता है। यहाँ पर मेरा E1, E4 ऑपरेट करता है, यहाँ पर मेरा D2, D3 ऑपरेट करता है। इन दैट केस पर, ये केसेस पर, तो ये जो प्रोग्राम मैंने किया, यहाँ पर क्या हुआ बे, अभी इस टाइम में क्या होता है, ये स्कोप की रिसर्च, ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली स्कोप के रिजल्ट के ऊपर देखते हुए हम लोगों का सिस्टम एक बार प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, मतलब पूरा ऑपरेशन टाइम पे मोटर को रन ही नहीं करा पाया। और यहाँ पे अगर स्पीड को देखोगे, स्पीड भी मेरा बहुत वेरी क्लियर है। यहाँ पे एक चीज देखो, स्पीड को अगर जूम करके दिखा जाए, स्पीड स्केल को, स्पीड स्केल पर अगर जूम करके देखोगे, स्पीड कभी ऐसा होता है मोटर का, ये बोलो तो, चलने के टाइम पर मेरा मोटर चलू हुआ है, बंद हुआ है, चलू हुआ है, बंद हुआ है, चलू बंद, चलू बंद, पॉजिटिव नेगेटिव, स्पीड पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक बार फॉरवर्ड घुमा है, रिवर्स घुमा है, फॉरवर्ड घुमा है, रिवर्स घुमा है, ऐसे हुआ है ना, स्पीड को अगर देखोगे, बोलो ये, यस यस सर, हेलो, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम लोगों का गेट टू के पल्स को अभी जीरो कर देंगे, मतलब गेट टू को कुछ देंगे ही, देंगे ही नहीं, गेट टू को ऑन ही नहीं करेंगे हम। ये 50% 0.1 रहा है, 50% तक रहा है, ठीक है, गेट टू को हम लोग जीरो कर रहे हैं, मतलब इससे क्या हुआ, मेरा गेट टू अभी काम नहीं करेगा, पल्स जनरेटर टू कोई काम नहीं करेगा इस केस पर। देन इसको फिर से रन कराते, अभी देखो क्या हुआ, देखो गेट टू का, गेट टू पूरा बंद है, तो गेट टू काम नहीं किया है, मेरा यहाँ पर फुल वोल्टेज फ्लो किया है, 240 वोल्टेज तक फ्लो किया है, एंड पूरा वोल्टेज मेरा पॉजिटिव हाफ पे ही आया है, वोल्टेज पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है, लेकिन करंट मेरा फुल पॉजिटिव हाफ पे आया है। वोल्टेज पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों हो रहा है, ये मेरा इंडक्टिव लोड है, जैसे इंडक्टिव लोड रहेगा कुछ पावर लॉसेस वहां से होता ही है। देखो एक सर्टेन टाइम के लिए ये नेगेटिव हाफ पे आया है, लेकिन फिर से वापस पॉजिटिव में गया, चला गया है। दिस इज आवर वोल्टेज पल्स, वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव हाफ के लिए, एंड यहाँ पे मेरा देखो स्पीड भी शो कर गया है, देख सकते हो तुम लोगों को, मेरा स्पीड शो किया है, मेरा मोटर कितना स्पीड पे चल रहा है, देखो मेरा मोटर का स्पीड शो किया है, आर्मेचर करंट शो किया है, फील्ड करंट भी शो किया है, एंड मेरा टॉर्क भी शो किया है। देखो अच्छी तरीके से देखो, देखो सब लोग, सबको दिखाई दे रहा है, बोल दो एक बार। यस सर, यस सर, तो यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मोटरिंग कंडीशन, फॉरवर्ड मोटरिंग पर ये अभी चला है, फॉरवर्ड मोटरिंग कंडीशन में अभी ये रन कर रहा है, अभी ये रन कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अगर चाहेंगे तो हम लोग इस स्पीड को वेरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक हम लोड बढ़ा के देखते हैं क्या टेंडेंसी आता है। यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट पे 1 लिया था, उसके हिसाब से एक लोड आया है, एक स्पीड यहाँ पे शो किया है 2052,
मतलब ये बराबर नो लोड के बराबर में है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1750 आरपीएम आना चाहिए था। और ये देखो तो सही आया है कि नहीं, रेडियन पर सेकंड टू आवर डिस्प्ले। देखते हैं जरा कैलकुलेटर को ऑन करके। चलो यहाँ पर नहीं है तो इसको आप कंसीडर करके देख सकते। अच्छा नीरज, नीरज कुमार शर्मा, नीरज समझ में आया है? नीरज यस सर, समझ में आया है? आ गया। अटेंडेंस को शेयर कर दो नीरज, प्लीज आपका अटेंडेंस। प्लीज आपका अटेंडेंस को शेयर कर दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कैसे गेट पास को चेंज करेंगे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्पीड करते हुए दिखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1714.8×30 तो इसको सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्पीड को बैलेंस करने के लिए गेट पास को कम करना पड़ेगा। पास स्पीड को यहाँ पे हम लोग 50% दिए थे, यहाँ पे इसको पास स्पीड को जैसे जैसे चेंज करेंगे लगभग 10 करके, मतलब सिर्फ 100% का 10% ही अभी अलाउ होगा। उसके टाइम में देखो यहाँ पे स्पीड का स्पीड भी चेंज हो जाएगा। इसको भी रन कराते हैं। देखो स्पीड मेरा कितना घट गया है, देख सकते हो, स्कोप से भी देखो, देख रहे हो स्पीड मेरा कितना घटा है। बेसिकली यहाँ पे फील्ड करंट का कोई जरूरत नहीं है हम लोग फील्ड करंट को देखने का, क्योंकि फील्ड का करंट का कोई असर नहीं पड़ता। अगर फील्ड कट को यहाँ से हटा देंगे तो ग्राफ अच्छी तरीके से दिखाई देगा। देखो ये मेरा रिजल्ट है, आर्मेचर करंट 0 to 15 तक टिक किया है बंद हुआ, एंड ये मेरा स्पीड कम हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर अच्छा इसको अगर स्पीड में करेंगे तो बॉडी अच्छा दिखाई देगा।
ये सब अच्छे तरीके से दिखाई देगा तुम लोगों को। अच्छा अभी देखो हम लोग लोड को इंक्रीज करेंगे, लोड को लगभग 1 था, यहाँ से इंक्रीज करके 5 करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है मेरा 10% अगर रखते हैं हम लोग 10% अगर रखते हैं और इसको अगर 5 रखते हैं तो देख सकते हो मेरा स्पीड बहुत ही माइनस हो रहा है, मतलब मोटर चल ही नहीं पा रहा है अभी इसके साथ। मोटर लेकिन जनरेटर मोटर की तरह चलता है, तो अगर इसका हम लोग इंक्रीज कर देंगे वैल्यू को लगभग 50% करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखो 1705 आरपीएम मेरा स्पीड आ गया है, 1750 आना था मेरा, 1705 आरपीएम मेरा स्पीड शो कर रहा है अगर मेरा लोड 5 होता है तो। And this is our graph. देख सकते हो स्पीड ग्राफ कितना अच्छा आया है। अच्छा सब लोग फिर से ज्वाइन कर जाना एक बार। अच्छा बोलो सब लोगों को समझ में आया है प्रोग्राम, मैं तो सर जल्दी जल्दी दिखा रहा था तुम लोगों को चला के। सही है सर, अपने सामने नहीं करेंगे तो सर नहीं समझ में आता उतना अच्छा। हाँ ये एक चीज है, सामने अगर कंप्यूटर से नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा फिर से सब लोग एक बार ज्वाइन कर जाना इसको खत्म होने के बाद, यहाँ पर अभी जो इसके पास लैपटॉप है उन लोगों के पास हो सकता है, लेकिन जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो लोग करना थोड़ा सा डिफिकल्टी है। अच्छा फॉरवर्ड ब्रेकिंग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ फॉरवर्ड देखो यहाँ पर ना बेसिकली सिमुलेशन में तुम लोगों को ब्रेकिंग इतने अच्छे तरीके से दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉरवर्ड मोटरिंग एंड रिवर्स मोटरिंग ये तुमको दिख जाएगा। ब्रेकिंग का पार्ट यहाँ से नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग तभी होता है, ब्रेकिंग का पार्ट हार्डवेयर किट में अच्छे तरीके से दिखता है क्योंकि। अच्छा सब लोग ज्वाइन कर जाओ फिर से उसके बाद बोलते हैं।